हाय रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। ये हमारा जो कमीज़ का कपड़ा है वो हमारी नेवी ब्लू का है, और तो इस पे हम कंट्रास्ट में ये शॉकिंग पिंक कपड़े की हम नेक बनाएंगे, और ये फ्रिल स्टाइल में हमारे पास लेस है, और हमें ये बटन चाहिए। ये दो नग वाले हैं और ये पिंक वाले 4 बटन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे, तो नेक बनाने के लिए हमारा जो कमीज़ का फ्रंट साइड है उसको हमने थोड़ा सा नीचे से कटिंग की है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। हम बेन गला बनाएंगे। हमने 15 इंच लेंथ ली है बुकरम की, और 4 इंच हमने वेद ली है। तो इसके लिए हम नेक की मार्क करेंगे। सबसे पहले बेन गले की मेज़र करेंगे। हम 3 इंच चौड़ाई में लेंगे बुकरम, और हम 3.5 पे ये लंबाई में बुकरम लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। फिर 1/2 इंच पे इधर पे निशान लगाएंगे। अब हम इसको गोलाई देंगे। इस निशान पे हमारे बेन गला आएगा। अब हम लेंथ में बाकी नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारी नेक जो फ्रंट साइड बनेगी वो हमारी 7 इंच की बनेगी। तो इस पे 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। जहाँ पे हमारी बेन गले का निशान है चौड़ाई में, उस निशान पे हम आपस में मिला देंगे। अब नीचे से 7 इंच की हम पट्टी लेंगे, वो हमारी चौड़ाई में 1/2 इंच तक आएगी। अब हम 1/2 इंच दूसरी कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे। हम ये हिस्सा कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हमारी जो सेंटर जो बेन का निशान है वो हम फिलहाल नहीं कटिंग करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। अब हमने ऊपर से ये हल्की गोलाई दी है। अब हम दूसरे कपड़े पे लगाएंगे। हमने ये बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हम जी कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा है उस पे हम इस तरह से रख के हम निशान लगाएंगे। अब हम जो बकरम है जो कमीज़ का दूसरा कपड़ा है हम उस पर अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से बकरम अटैच कर दिया है दूसरे कपड़े पे। अब हम इन दोनों पीस को जो आपस में मिला के सिलाई करेंगे इस तरफ। हमने इस तरह एक तरफ सिलाई कर दी है। अब हम इधर छोटे कट लगाएंगे जहाँ पे हमारी हल्की सी गोलाई का शेप है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे, एक तरफ सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से एक तरफ सिलाई कर दी है। अब हम दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। तो हमारी जहाँ तक ये बकरम की पट्टी है हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करके निशान लगाएंगे। हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई कर दी है। अब हम इधर ये पाइपिंग वाला स्टाइल देंगे। तो इसके लिए हमने पिंक कपड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 इंच तक हम पट्टी कटिंग करेंगे।
तरह से इसको इस तरह फोल्ड करके, और हमारा जहाँ पे ये सिलाई हमने की थी उससे थोड़ा बाहर निकाल के सिलाई करेंगे इस तरह से, इतना सा सिर्फ बाहर जितनी हमारी पाइपिंग होती है। हमने इस तरह से दोनों पट्टियों को तैयार कर दिया है, और हमने जो कमीज़ है हमारी उसका फ्रंट साइड जो है हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम ये पट्टियाँ अटैच करेंगे इस तरह से, ये हम इस तरह से रखेंगे। इधर हम अब दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। हमने इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। हमारा बेन गला है तो इसके लिए हमने ये थोड़ी सी कटिंग की थी। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे इस तरह से, 1 इंच तक हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हम शोल्डर आपस में मिलाएंगे तो हमारा वो आधा मार्जिन रह जाएगा इस तरह से, हल्की गोलाई देके। अब हम पेपर लेंगे, एक वाइट पेपर लेंगे, और इसमें हमने जो सेंटर वाली जो बकरम की पट्टी हमने काटी थी नेक बनाने के लिए, तो उसके लिए हम वो जो नेक का जो हिस्सा है इस पर रख के इस तरह से मार्क लगाएंगे। हमने जब बेन गला बनाने के लिए जो बकरम के निशान लगाया था उसको इस तरह से हम कटिंग करेंगे, और इसको भी निशान लगाएंगे। अब हम खाली मशीन इसके ऊपर इस तरह से चलाएंगे तो ये निशान बन जाएगा हमारा इस तरह से। अब हम कमीज इसके ऊपर अटैच करेंगे। हम फिलहाल इस तरह से सेंटर करके कच्ची सिलाई करेंगे, फिर हम खोल देंगे। अब हमने इस तरह से पेपर अटैच कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बैक साइड वाली डिज़ाइन बनाएंगे। हम बैक साइड पे इस तरह से लीफ बनाएंगे। अब हम दूसरे कपड़े पे इस लीफ को अटैच करेंगे। हमने लीफ ये अटैच कर दिया है दूसरे कपड़े पे। अब हम बैक साइड शर्ट की जो है हम उस पर अटैच करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और सीधी साइड टर्न कर देंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम इस तरह से सिलाई करेंगे। अब हम इस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे। हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हम बेन गला बनाएंगे तो इस तरह इसको कमीज को फोल्ड करके हम मेज़र करेंगे गले की। हमारे गले की मेज़र है पूरे 8 इंच है। तो हमने बकरम को दूसरी पट्टी पे अटैच करके और फिर हमने सेंटर से ये लेस लगा के इस तरह अटैच किया है। अब हम दूसरी साइड लेस लगाएंगे इस तरह से।
अब हम सेंटर से इसे कॉलर को अटैच करेंगे। इस तरह से ये सेंटर में थोड़ा सा मार्जिन, एक बूट का मार्जिन अंदर करके इस तरह से हमने बेन गला बना दिया है। और हमने नग वाले बटन भी लगा दिए हैं और ये चार पिंक वाले बटन भी लगा दिया है। ये हमारी फाइनल लुक है। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।